हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले एयरपॉड्स की, जो हमने मंगाए हैं टेकहंग से। मैं कब से सोच रहा था एयरपॉड्स लेने की, फाइनली अब ले लिए हैं। और जल्दी से हम चलते हैं अपने एयरपॉड्स की तरफ, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा, तो चलिए चलते हैं एयरपॉड्स की तरफ। हाँ जी, तो ये रहा हमारा पार्सल जो टेकहंग की तरफ से आया है। चल झूठा, मतलब हमने जो परचेज करा है। सबसे पहले हमें मिलता है एक केस, सिलिकॉन केस, और टेकहंग का एयरपॉड्स पर लगाने के लिए, और टेकहंग का क्लीनर। क्लीनिंग किट एयरपॉड्स वगैरह साफ रखने के लिए। और फाइनली हमारे एयरपॉड्स, एयरपॉड्स प्रो 2 कार्बन एडिशन, कार्बन 2 एडिशन, बजर एडिशन बल्कि। अब जल्दी से इसको, सबसे पहले तो इसकी पन्नी खोलते हैं। हाँ जी, तो ये इसकी सील। तो कुछ पेपर वर्क जो कोई भी नहीं पढ़ता, इनको भी साइड पे रखें। बात तो सही है। और ये रहा हमारे एयरपॉड्स, इसको भी साइड पे रख के देखते हैं डब्बे में क्या है। एक टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है, और इसके ये मुझे नहीं पता क्या कहलाते हैं, कान में लगाने वाले। और ये हैं जो जॉन से आपके कान में फिट आ जाए वो लगा लें आप। और सबसे मेन चीज हमारी ये एयरपॉड्स, वेट है वैसे इनका। ये बात सुनी? नाइस। ये है बजर एडिशन। अच्छा, मैं अपने ज़रा पुराने एयरपोर्ट दिखाता हूँ उनकी क्या हालत है। हाँ जी, तो ये रहे मेरे पुराने एयरपोर्ट। आप बोलेंगे, लोग कमेंट में लोग बोलेंगे रबर बैंड की लगाई हुई है। सरप्राइज, ये टूट गए थे मेरे से, मेरे से नहीं किसी और से टूट गए थे। इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। ये तो टट्टी है, तब से इनको मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इनकी हालत हुई है। पहले तो मैंने क्या नाम है, ग्लू से, यूएचयू से लगानी करी थी, उससे भी नहीं हुआ। फिर ग्लू से लगाई, उससे भी नहीं हुआ। चलो अब इनको तो साइड पे फेंको, अपने एयरपॉड्स पे आते हैं ये वाले। बस ये आवाज। और ये अगर आप इनको असली वाले उनसे कंपेयर करें ना, कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे, एक मिनट, फोकस नहीं हो रहा है। अल्लाह यार, मैं दूसरे फोन से दिखाता हूँ। देखें इसके यहाँ पे भी, मतलब जो लिखा हुआ होता है ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल उसमें लिखा हुआ होता है। और इनके इधर इसके एयरपोर्ट जो है, इन पे भी इधर नीचे की तरफ लिखा हुआ है।
जैसे ओरिजिनल एयरपोर्ट्स में लिखा होता है। किसी को भी नहीं। अच्छा सब अब आप जल्दी से ना इसकी सील उतारते हैं पहले। इसके यहाँ पे भी होती है प्रोटेक्शन के लिए ये। चलो अब जल्दी से इसको अपने फोन से कनेक्ट करते हैं। हाँ जी सबसे मजे की बात iOS 16 जब से आया है तो फेक एयरपोर्ट पर ये देखें सेम एस ओरिजिनल फीचर्स हैं ये पेयर हो गए। बस ये पेयर होने पे ये साउंड आएगा बस ये हो गए हमारे कनेक्ट। केस की चार्जिंग एंड एयरपोर्ट्स की चार्जिंग हमारे। अच्छा और सबसे एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ मैं अभी गाना प्ले करता हूँ। ये इसका है सेंसर का है देखें गाना रुक गया क्योंकि क्या कहलाता है मुझे फीचर का नहीं पता क्या कहलाता क्या है पर इधर जो सेंसर होते हैं ना उस पर हाथ रखेंगे मतलब कान ये कान से जैसे आप उतारेंगे ना तो गाना रुक जाएगा। इसको सेटिंग में जाके डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके यहाँ पे कहीं सेंसर होता है ये क्लिक करके रखा कनेक्ट हो गए हटाया डिसकनेक्ट हो गए। एक अच्छा सा ये फीचर है और सबसे बढ़िया मेरे लिए ये म्यूजिक ऑन करा ये देखिए भाई एक एयरपॉड लगाया हुआ मैंने थोड़ा सा जूम करता हूँ ये देखें वॉल्यूम इधर से ही कम इधर से ही ज्यादा मेरे ख्याल से गाने की आवाज़ हल्की फुल्की तो आ रही होगी। और ट्रांसपेरेंट मतलब नॉइस कैंसिलेशन में जाने के लिए ये हमने एक मिनट हाँ दिख रहा होगा आप सही से दबा के रखा नॉइस कैंसिलेशन मैं लाऊंगा दोनों कानों में अब मैं यकीन नहीं करेंगे मुझे अभी बिल्कुल भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। अब मैं फिर दबा के रखूंगा अब देखें मैं फिर दबा के रखूंगा हाँ दबा के रखा ये चला गया ट्रांसपेरेंसी में फिर दबा के रखा नॉइस कैंसिलेशन में ये है इसका फीचर। सिंगल क्लिक करा साउंड चल गया दिखाता हूँ गाना चल गया क्लिक करा एक मिनट हाँ क्लिक करा गाना रुक गया। सबसे अच्छा ये अच्छा लगा मेरे को ये इनका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। अब iOS 16 के बाद हमें ये अपने वाले एयरपॉड नॉर्मल एयरपॉड्स जो होते हैं वो हमें सेटिंग में जाके ब्लूटूथ में जाके कनेक्ट करने पड़ते हैं। एयरपॉड्स प्रो 2 कार्बन एडिशन में अब सामने ही ये सेटिंग में जाएंगे ये आगे एयरपॉड्स प्रो इसके अंदर हाँ एक मिनट ऑटोमेटिक एयर डिटेक्शन बंद कर देता हूँ हाँ अब छुटकारा मिल गया मेरे को। ऑप्टिमाइज बैटरी और ये मॉडल नंबर ये यही सीरियल नंबर अगर आप फिर एप्पल की वेबसाइट में डालेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका एयरपॉड्स का
अब जल्दी से सब कुछ हटाते हैं इस, और ज़्यादा एक और चीज़। हाँ मेरे को याद आ गया, देखें अब आवाज़ नहीं आ रही, कनेक्ट हो गए ना एक दफ़ा तो अपनी आएगी आवाज़। और ये फ्लैक्स, इस चीज़ का फ्लैक्स चल रहा है आजकल। और अब वायरलेस चार्जर की बारी। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा वायरलेस चार्जर, सब कुछ साइड पे रखो। ये वायरलेस चार्जर, ये हमारे एयरपॉड्स, लग गया चार्ज पे। वाओ, फिर और मैग्नेट भी है इसके ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना पर है। एक दफा फिर से, ये है। और हमें इसके साथ मिलता है एक सिलिकॉन केस, जो भी हम लगा लेते हैं फौरन। हाँ जी, तो हमारा एक केस भी लग गया। अच्छा, आप पहले ही केस उतारूं, दिखाना था केस तो बस लगा के। अब ये टैग हंग आपको ये एयरपोर्ट से साथ ही प्रोवाइड, साथ ही मैं आपको एक सिलिकॉन केस दे रहा है, एक टैग हंग क्लीनिंग किट दे रहा है। दिखाता हूँ क्लीनिंग किट आपको लोग को, ये देखिए कि टैग हंग का ही लोगो बना हुआ है। फोकस नहीं कर रहा होगा शायद सही से। ये एयरपोर्ट का, मैं पुराने वाले का हूँ, इन वालों को छेड़ना नहीं है मेरे को अभी। देखिए जैसे कि इन सब कचरा, ये मेरे खास स्पीकर वगैरह सफाई। हाँ स्पीकर वगैरह सफाई वगैरह के लिए है। और जी नीचे से भी खुलता है आई थिंक, हाँ उसके नीचे निकलता है ये सफाई, इस जगह की सफाई वगैरह, इन सब के लिए बड़ी अच्छी चीज़। ये चीज़ मेरे काम की, क्योंकि मैं अपने एयरपॉड्स और अपना मोबाइल डेली चार साफ़ करता हूँ, हर 1-2 दिन बाद साफ़ करता ही हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है जो टेकहंग ने प्रोवाइड करी है। तो अब इसको भी साइड पे रखते हैं। अगर आपको टेकहंग से मंगवाना हो, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि टैकहंग से आप लोग ये भी लेना चाहें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उनके वेबसाइट की, और या उनके वेबसाइट की, या उनके क्या नाम है इंस्टाग्राम पेज की। भाप एयरपोर्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, ये वाले तो गए। आप इनकी रबर बैंड खाएं वापस, रबर बैंड लगा के इनको वापस रख दे। ये रही, थैंक यू जूनियर। पिछले 2 महीने ना, 2 महीने ना, पिछले 2 महीने से मैं इन एयरपोर्ट्स को ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ अपने, ये वाले एयरपोर्ट्स को रबर बैंड लगा के। तो अब जल्दी से इनको भी रख देता हूँ मैं। हाँ जी, तो ये थी छोटी सी अनबॉक्सिंग एयरपोर्ट्स की, जो मैंने मंगाया था टैग हंग से। टैग हंग का मैं वेबसाइट या इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा। और अगर आप लोगों को मेरी अनबॉक्सिंग पसंद है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये एयरपोर्ट मैंने लिए हैं, इसके अगले दिन ही मैंने जाके थोड़ा सा कवर लिया मजबूत वाला, मुझे भरोसा नहीं है खुद पे। अच्छा तब चल, मिलता हूँ आप लोगों से अलग वीडियो में, एक नए अनबॉक्सिंग या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।